स्टेज पर जो मुझे इंस्पायर करती हैं और इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है स्क्रीन प्ले, माई वाइफ सोनिया एंड मेरे ये जो एक, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं जहाँ तक भी मैं पहुँच पाया, तो एक मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे एक गुरु बनकर, एक एक टीचर बनकर, ही इज़ द बैकबोन ऑफ माई सक्सेस, ही इज़ जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक या कुछ भी काम कर पाता हूँ, और एक मेरी बीवी है सोनिया, जो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर करती है कि वो लुक जो मेरा हुआ करता था और उससे आज एवरी स्टेज पर कुछ और बेहतर करने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पिताजी और मेरी बीवी सोनिया की वजह से। अतिंदर जी को मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो जिन्होंने वो वीडियो बनाया है जिसकी वजह से रानू जी वायरल हो गई और फिर हमारे शो पे आई, और हमारे उस शो से, सुपरस्टार सिंगर से, हमने पता नहीं क्या लगा मुझे, जहाँ से मुझे लगा कि भाई उन्हें डेफिनेटली एक ऐसी कशिश थी उनकी आवाज़ में, तो मैंने एक वादा कर लिया कि उन्हें रिकॉर्ड करवाना चाहिए। God always with me, that's why. Thanks God. Thanks to God. Yeah, because he always came that to me. That's why. Thank you so much. Because God is always time loves me, you know. That's why. Because he is great, no. यानी भगवान जो हमारा है वो बहुत बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे, यानी यीशु जिसका नाम, उन्होंने इतना प्यार किया है, इतना प्यार करते हैं कि हम उनके पास कितने भी आते हैं जी। थैंक यू। और मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत, मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए। हाउ स्वीट इज दैट, सुपर। एक होती है दुख की आंसू, उनके आंखों में खुशी की आंसू है, जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ, तो ये खुशी की आंसू। हर इंसान कितनी मेहनत से, हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया, एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग, सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ। वाह, दैट्स इट, थैंक यू। हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए, बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया, लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए, इतना बड़ा बनाइए, और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यू नो, यूजुअली रिलीज से पहले इस तरह से हिट आजकल कम होता है, बिकॉज ट्रेलर पहले आता है और फिर म्यूज़िक आता है, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दीपशिखा जी के साथ, कुमार जी के साथ, वाशु जी के साथ एक डिसाइड हुई कि हमें इस फिल्म का, इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म, इट्स अ लव स्टोरी, सो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, एंड दैट्स वाई हमने म्यूज़िक इसका पहले लाने की कोशिश की। अभी तक ट्रेलर आया भी नहीं है और म्यूज़िक आप लोगों ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया है, तो ये बहुत रेयर होता है रिलीज से पहले, आजकल के ज़माने में जो पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता, yes. वो हुआ है, और एक जेन्युइन ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक होना रिलीज से पहले बहुत अच्छी बात है, और अभी बहुत ग्रेट म्यूज़िक इस फिल्म का बाकी है आना, इसके रीमिक्सेस भी आ रहे हैं। मुझे ऑलवेज ये लगता है कि कौन से कॉनोटेशन में लता जी ने ये बात एग्जैक्टली कही थी, मुझे ये लग रहा है कि वो यही है कि जैसे आज अगर कोई बहुत ही, जैसे अरिजीत सिंह है, बहुत ही ग्रेट सिंगर है मेरे हिसाब से, और बिल्कुल उन्हीं की तरह अगर कोई गाने लगे सेम, तो जब अरिजीत जी हैं तो फिर वो क्या होता है, वो वर्क उतना नहीं करता है, लेकिन इवेंचुअली एक इंस्पिरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर सिंगर ने इंस्पायर होके ही किया है, जैसे कुमार शानू जी हमेशा कहते हैं कि भाई किशोरदास से हम सभी इंस्पायर्ड रहते हैं ना कहीं ना कहीं,
जब मैंने हाई पिच सिंगिंग शुरू की तो लोगों ने नेजल सिंगिंग कही, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिंगिंग ऑलवेज नेजल ही थी और अब बहुत कॉमन हो गई है. तो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं, कि आप कौन से जोन में आपके जो वोकल एम्पलीफायर्स होते हैं या जो आपके आपके रिफ्लेक्सेस आपके ब्रेन को क्या सिग्नल देते हैं कौन से जोन में जाने के लिए, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ अ सेकेंड दैट यू हैव टू पिक अप द नोट्स इन म्यूजिक. अब जब ये बात है तो कहीं ना कहीं बॉर्न टैलेंट इनमें है और वो इंस्पायर ज़रूर हुई हैं लता जी से. बट वैसे भी लता जी जैसा लेजेंड तो कोई नहीं बन सकता, वो लेजेंड हैं, शी इज द बेस्ट. बट कहीं ना कहीं उनको एक इंस्पिरेशन मानकर जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी एक दास्तान लिखी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है. तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि लता जी का जो लाइन थी वो ये थी कि भाई इंस्पायर हो जाओ, वो इंस्पायर वर्ड शायद उन्होंने उस किस तरह से, मुझे ये लग रहा है कि उस बात उस लाइन का मीनिंग ये है कि इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट कॉपी करना ज़रूरी नहीं है. तो इन्होंने वैसे भी कॉपी की नहीं है.